आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ कैसे बनाते हैं। तो ये एमएस वर्ड 2013 में हमको जाना होगा। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम से भी जा सकते हैं अगर रिसेंट में नहीं आता है तो। वैसे जाने के लिए हम स्टार्ट में आएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 13 और वर्ड 2013 या फिर रन भी कर सकते हैं। इसको हम रन में भी लिख सकते हैं और रिसेंट में से भी आ जाएगा। अब यहाँ पर से हम इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ब्लैंक लेने के बाद हमने जो भी लिखा है या तो वो डॉक्यूमेंट को हम बना सकते हैं या फिर हमारे पास कोई अगर इमेज है तो उसको बना सकते हैं। अभी जो हमारे पास लिखा हुआ है सारा, तो इसको आप पीडीएफ कर देना है तो कैसे करेंगे? फाइल में आना है, ऊपर से फाइल बटन से वहाँ से एक्सपोर्ट में आना है। एक्सपोर्ट में आने के बाद क्रिएट पीडीएफ और वहाँ पर उसका नाम डाल देना है, लोकेशन देखना है कहाँ पर सेव हो रहा है, जैसे कि डी ड्राइव, तो डी में सेव होगा। डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट में क्या नाम से करना है, मिनिमम साइज़ भी इसको कर सकते हैं अपलोड करने के लिए और पब्लिश कर सकते हैं। तो जिनको दिक्कत आती है पीडीएफ बनाने में तो इसको फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से इसका भी बना सकते हैं टेक्स्ट का। और अगर आपको इमेज रख देना है, इमेज की पीडीएफ बनाना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे न्यू, और न्यू जाने के बाद में हम कंप्यूटर से जहाँ पर भी इमेज होंगी हमारी, डाउनलोड भी हम कर सकते हैं, वहाँ से वो इमेज ले लेना है। और इमेज लेने के बाद हम डॉक्यूमेंट में इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद उसको हम सेंटर भी कर दे सकते हैं। सेंटर करने के बाद सेम वैसे फाइल, एक्सपोर्ट और क्रिएट पीडीएफ, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट को हम एक्सपोर्ट करके पीडीएफ बना सकते हैं कंप्यूटर से। बाकी तो मोबाइल से बहुत सारे ऐप आते हैं, जैसे कि WPS का आता है अलग अलग, उसमें भी कन्वर्ट हो जाता है, और कंप्यूटर से ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू।